वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एंड रेफरेंस ऑफ पॉइंट। हम इन सभी पॉइंट को वन बाय वन क्लियर करेंगे एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। पिछला जो वीडियो था हमारा, वो इंट्रोडक्शन का था और इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था मोशन का मतलब, ठीक है। तो मोशन को हमने समझा था, मोशन का मतलब होता है टू मूव। क्या होता है? टू मूव, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। ये बहुत ही सिंपल चीज है, आप इसको अपने सेंस से भी समझ सकते हैं कि मोशन का मतलब ही है चेंज इन पोजीशन। यदि किसी भी बॉडी का अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर पोजीशन वो चेंज करती है तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो पॉइंट ए पे था और उसके बाद से वो पॉइंट बी पे चला गया, तो इसकी पहली पोजीशन पॉइंट ए थी, फिर फाइनल पोजीशन हो गई उसकी पॉइंट बी, तो हम कह सकते हैं कि मोशन में है। ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो चलिए समझते हैं एक अच्छे से एग्जांपल लेके इन सभी पॉइंट को क्लियर करते हैं। हम मान लीजिए कि ये एक पाथ है, ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए कि ये एक रोड है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, छोटा सा घर मैं बना देता हूँ। और आपको जाना है मार्केट, ठीक है, ये आप अपने घर से निकले और आपको जाना है मार्केट, ठीक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो वीडियो है वो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन आप जिस शहर में भी रहते हैं, यदि वहाँ पे कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप अपने घर में ही रहें, खुद को और अपने फैमिली को सेफ रखें, यही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। चलिए समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप निकले घर से और आपको जाना है मार्केट, ठीक है, ये पूरा मार्केट है। चलिए समझ लीजिए कि ये पूरा मार्केट है यहाँ पे। यानी आपको, हम इस घर को पॉइंट ए दे देते हैं नाम और मार्केट को पॉइंट बी दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब जैसे ही आप मार्केट के लिए निकले, आप मार्केट में पहुँच गए, मैं यहाँ पे आपको प्लॉट कर देता हूँ कि ये आप मार्केट में आ गए, ठीक है। अब होगा क्या कि हम पोजीशन को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आप कुछ समय पहले, यानी हम मान लेते हैं कि टाइम टी वन पे, और कुछ समय बाद यानी टाइम टी टू पे, यानी पहले टाइम टी वन था, कुछ समय टाइम बीता और टी टू टाइम हो गया। कुछ समय पहले आप घर पे थे और कुछ समय के बाद आप मार्केट में पहुंच गए, तो आपकी पोजीशन कैसे डिफाइन होगी? हम ऐसे ही साइंस में लिख नहीं सकते हैं कि हाँ ये मार्केट में हो गया तो ये पोजीशन हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यदि आपके इसे डिफाइन करना होगा कि इसकी पोजीशन क्या है, तो उसके लिए आपको एक रिफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को हम समझ रहे हैं, रिफरेंस पॉइंट को। यानी रिफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जिससे हमें ये समझ आए कि वो वहाँ से कितना दूर है, कितना नज़दीक है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। हालांकि हम डायरेक्शन की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो हमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, यानी वेक्टर में हम पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन में। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि रिफरेंस पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिससे हम डिफाइन कर सकें किसी चीज़ की पोजीशन को, ये या उससे कितना दूर है, कितना नज़दीक है। जैसे ये बंदा जो है वो मार्केट में पहुंच गया अपने घर से, तो अपने घर से यानी पॉइंट ए से, तो ये जो पॉइंट ए है वही रिफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट। और ये पॉइंट बी भी रिफरेंस है, रिफरेंस पॉइंट है किसके लिए? इस घर के लिए, ताकि ये डिफाइन कर सकता है कि पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि ये आप अपने घर से निकले और मार्केट पहुंच गए, जो कि आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ए है, वो रेफरेंस पॉइंट हो गया आपके लिए, जिसे आप पॉइंट ए से अपनी पोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। यानी पोजीशन आपको डिफाइन करना है तो कहाँ से डिफाइन करना है? अगर जिस पॉइंट से डिफाइन कर रहे हैं तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन। यानी पोजीशन को यदि डिफाइन करना है तो हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी किस पॉइंट से हम किस कितने दूर हैं, कितने पास में है, ये आपकी पोजिशन डिफाइन हो जाएगी। अब आते हैं पाथ लेंथ के ऊपर। तो पाथ लेंथ का एक आप छोटा सा मतलब समझ सकते हैं, डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना किलोमीटर कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, वही आपका पाथ लेंथ कहलाता है। तो पाथ समझ लेते हैं,
ऐसे समझिए कि आप मार्केट से, आप अपने घर से निकले, आप मार्केट गए, आपने सामान लिया और वहां से रिटर्न हो गए। रिटर्न होने के बाद आप अपने किसी फ्रेंड के घर पे रुक रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे आप हैं, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिए कि आप ये अपने हाउस से निकले थे, मार्केट गए, मार्केट से फिर आप अपने फ्रेंड के पास पहुंचे। जो फ्रेंड का घर है उसे हम पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं, क्या पॉइंट सी, और ये डिफाइन कर लेते हैं कि पॉइंट सी जो है वो पॉइंट बी से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी ए और सी के बीच में भी 5 किलोमीटर होगा, ये जनरल चीज है। तो हमें पाथ लेंथ को डिफाइन करना है। तो पाथ लेंथ का मतलब कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जितना पाथ उसने कवर किया है उसी को हम पाथ लेंथ कह देंगे। तो समझिएगा कि इसका पाथ क्या होगा। सबसे पहले पाथ, पाथ क्या हो जाएगा, आप पॉइंट ए से ए टू पॉइंट बी गए, ठीक है, उसके बाद से आप पॉइंट बी टू पॉइंट सी गए, ये क्या हो गया आपका पाथ हो गया। पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ हो जाएगा आपका ए बी, ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो पॉइंट ए टू बी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, चलिए 10 किलोमीटर पर लिख दीजिए इसे। प्लस, यहाँ प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस और टोटल पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, उसी को हम कहते हैं पाथ लेंथ। 10 किलोमीटर इसने कवर किया। फिर पॉइंट बी से सी, यानी बी टू सी कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, तो इसने 5 किलोमीटर और कवर किया, यानी टोटल कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर इसका हो जाएगा पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पाथ लेंथ का मतलब है सिंपल सा डिस्टेंस, यानी वो कितना पाथ को कवर करता है, आप पूरे को सम कर दीजिए वही आपका डिस्टेंस पाथ लेंथ निकल जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से स्टार्ट किया चलना और आप पॉइंट बी तक गए, कहाँ तक गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी की। पॉइंट ए को हम मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो कि आपके स्थिति को डिफाइन करता है कि आप कहाँ पे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट को हम मान के पोजीशन को डिफाइन करते हैं। बी जो है, बी को मान लेते हैं कि ये जो है आपका फाइनल पोजीशन है, क्या है फाइनल पोजीशन है। अभी मान लेते हैं इस छोटा सा एग्जाम्पल के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ, बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यानी मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस तो है बट मिनिमम होना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन दोनों डिफाइन होता है। तो हमने पॉइंट ए से आप चलना शुरू किया, पॉइंट बी तक गए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए टू बी, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल सा मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए टू बी वही डिस्टेंस है, यानी ए टू बी। अगर ए टू बी के बीच में अगर मान लेते हैं कि यहाँ से 100 किलोमीटर के बीच दूरी है, तो ये डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी 100 किलोमीटर होगा। तो हमने यहाँ से समझा कि डिस्टेंस जो था वो 100 किलोमीटर था और डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर था। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, नहीं। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, या फिर
जीरो भी हो सकता है या फिर लेस देन डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, जीरो भी हो सकता है या उससे डिस्टेंस से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी अधिक नहीं हो सकता, ग्रेटर नहीं हो सकता है, कम हो सकता है, जीरो हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। चलिए वन बाय इसको क्लियर कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगा? कुछ ऐसी कंडीशन हमने देखा कि एक स्ट्रेट पाथ पे पॉइंट वन ए यानी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक गया और कहीं भी उसने डाइवर्ट नहीं किया डायरेक्शन को, वो एक स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है, तो इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो जीरो वाली कंडीशन कब होगी? मान लीजिए कि आपने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और आप गए पॉइंट बी तक, ठीक है, आप पॉइंट ए से बी गए, फिर ए पॉइंट बी पॉइंट से आप रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, और फिर पॉइंट ए पे आके आप रुक गए। जब ध्यान समझिएगा, आप पॉइंट ए से बी तक गए, फिर पॉइंट बी से आप रिटर्न हो रहे हैं और रिटर्न होकर पॉइंट ए पे रुक गए। तो हमने डिस्टेंस को क्या समझा था? डिस्टेंस को हमने समझा था डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन है पॉइंट ए, ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या है पॉइंट ए, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो किलोमीटर, अगर किलोमीटर के फॉर्म में होगा तो जीरो किलोमीटर, यानी जिस पॉइंट ए से शुरू किया और फिर पॉइंट ए पे आ गया, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो किलोमीटर, यानी जीरो हो जाएगा, यानी फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट को सिंपल ये आप समझ सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना, ये सिंपल सा आप दिमाग में रख सकते हैं, यानी फाइनल पोजीशन जितना डिस्टेंस हुआ उससे आप इनिशियल पोजीशन जहां से आप मेजर कर रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो पॉइंट ए टू बी गया, कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हुआ, लेकिन ये फिर पॉइंट बी से रिटर्न हो रहा है, यानी ए जो है वो इनिशियल पोजीशन भी है और फाइनल पोजीशन है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्टेंस से कब कम हो सकता है कंडीशन, मान लीजिए ये आप पॉइंट ए से चलना शुरू किए और पॉइंट बी पर गए, पॉइंट बी से आप रिटर्न हो रहे हैं और यहां बीच में आके पॉइंट सी पे आप रुक गए। हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है और पॉइंट ए टू सी के बीच में जो दूरी है वो मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि इस पूरे का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ, यानी ए से बी, यानी ए टू बी एंड बी टू सी, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए से बी कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, गुड, प्लस बी से सी, तो बी से सी कितना किलोमीटर होगा, तो हमने ये पूरा 10 किलोमीटर माना है और ये 3 किलोमीटर, तो ये रिमेन 7 किलोमीटर हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर, यानी टोटल 17 किलोमीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट को समझना है, इसीलिए मैं आपको दोनों कंपेयर करके समझा रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए डिस्टेंस का बीच बीच में लेना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा हमने, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, सी है, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, यानी ए पॉइंट से उसने शुरू किया था, अब फाइनली कहाँ आकर रुका, सी पे रुका, यानी ए और सी के बीच में कितनी दूरी है, 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम भी होता है, उसके बराबर भी हो सकता है, इसी कंडीशन अगर बनती है तो वो जीरो भी हो सकता है, यानी मान लीजिए कि अगर पॉइंट ए से ही शुरू किया, घूम फिर के वो पॉइंट ए पे ही आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो एक ही हो गई है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यानी यहाँ पे कोई एथलीट है, यहाँ पे आप रेस लगाएगा वो,
ठीक है, समझ लीजिए कि एक सर्कुलर ट्रैक है। मान लीजिए कि यहाँ से एक कोई भी एथलीट, ये कोई एथलीट है और इसने पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट किया, वो पूरा ये पूरा सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, इससे सांप सर्कुलर एकदम मान के चलेंगे आप। पॉइंट ए से उसने चलना शुरू किया और चलते 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 पॉइंट ए पर फिर आया और फिर चलना शुरू किया और चलते चलते यहाँ पे पॉइंट बी पे आकर रुक गया। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वो ए से पूरा राउंड लगाते हुए पॉइंट ए पे आया, फिर वो ए से स्टार्ट किया और बी पे आके रुक गया, ठीक। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, समझिएगा इसको, डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से स्टार्ट किया, यानी पूरा एक सर्कल का फॉर्म बना इसका, आपका पूरा सर्कुफ्रेंस कवर किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया फिर पॉइंट ए पे आ गया, यानी पूरा एक सर्कल कवर कर रहा है, यानी ये पूरा इसका जो सर्कुफ्रेंस होगा वो आपका डिस्टेंस होगा 2πr, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि ये बस ए पॉइंट पर रुका नहीं है, पॉइंट ए से शुरू किया पॉइंट ए पे होते हुए फिर पॉइंट बी पे रुका हुआ, यानी ये पूरा 2πr प्लस फिर ये आधा इतना, ठीक है ना, हाफ सर्कुफ्रेंस, दैट मींस पाई आर, यानी 3πr उसने डिस्टेंस कवर किया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने पहले बात किया है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए से बी सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ये नहीं, ये होगा आपका मिनिमम डिस्टेंस। अरे भाई यही तो सबसे कम डिस्टेंस है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो किसी भी सर्कल का, ये सर्कुलर पाथ हम समझे हैं, तो किसी भी सर्कुलर पाथ का ये जो होगा आपका, ये होता है आर और ये आर, क्योंकि डायमीटर है आर आर, तो क्या हो जाएगा ये 2r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr प्लस पाई आर, टोटल 3πr। तो ये रहा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने का तरीका। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नेक्स्ट वन हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में, लेकिन वीडियो भी शॉर्ट रहेगी, ज़्यादा हम लंबा भी वीडियो नहीं रखेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए इस कोरोना के टाइम में, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय।